अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। होप्स हो कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो दांतों के मतलब है। जिन लोगों के दांतों में काला कीड़ा लग जाता है, पीले हो जाते हैं, पेल आ जाती है, ऊपर बहुत ज़्यादा गंदे ख़राब हो जाते हैं, उनके दांतों के लिए है। और ये रेमेडी बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है। हफ्ते में डेली भी आप यूज़ कर सकते हैं और हफ्ते में 2 से 3 बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 बार यूज़ करने से इंशाल्लाह एक वीक में ही आपके जो दांत हैं उनकी पेल, कालापन और बहुत हद तक कम हो जाएगा। और 2 वीक में इंशाल्लाह आपके दांत बिल्कुल वाइट और चमकदार हो जाएंगे। इस चीज़ को आपने, इस रेमेडी को आपने ज़रूर यूज़ करना है। और ये होममेड रेमेडी है, इसको बनाने का तरीका भी बिल्कुल आसान है। और ये चीज़ें सारी हमारे तकरीबन घर में अवेलेबल होते हैं। चावल हैं, चावल इसलिए रखे हैं कि इनका आपने आटा बना लेना है। ये चावल हैं, ये चावल हैं, इनका आपने आटा बना लेना है, ग्राइंड कर लेना है। मैंने ग्राइंड करके अपने पास रख लिया। ये चावलों का आटा है, 1 चम्मच आपने चावलों का आटा लेना है। कोलगेट पेस्ट लेनी है और 1/2 टीस्पून जो है ना आपने ऑलिव ऑयल लेना है और 1/2 लेमन लेना है। अब मैं आपको बनाने का तरीका बताती हूँ। इन चीज़ों को मिक्स करके हम अपने दांतों पे लगाएंगे, दांत इंशाल्लाह बिल्कुल वाइट और चमकदार हो जाएंगे। अब मैं आपको रेमेडी बनाने का तरीका बताती हूँ। एक खाली बॉल ले लेना है, उसमें आपने ये जो हमने लेमन रखा हुआ था इसको निचोड़ लेना है, 1/2 लेमन को इस तरह निचोड़ के इसके बीज वगैरह निकाल लेना है हमने। फिर इसमें हमने 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल का ऐड कर दें, इतना, 1/2 टीस्पून लेमन और 1/2 टीस्पून ऑलिव ऑयल का। अब ये जो हमने चावलों का आटा ग्राइंड किया हुआ था ये इतना सा अपने दांतों के मुताबिक इतना सा हम इसमें आटा ऐड कर देंगे। इसको ऐड करने के बाद हमने कोलगेट पेस्ट लेनी है। इस पेस्ट को हमने इतना सा 1/2 टीस्पून इसमें पेस्ट को ऐड कर दें। इनको मिक्स करने के बाद हम अपने दांतों पे अप्लाई कर, इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद इस तरह का ये, इसको हम मिक्स करेंगे और इस तरह का ये स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। ये आपने वीक में 2 दफ़ा लाजमी लगाना है, इससे दांत बिल्कुल साफ और वाइट हो जाएंगे। उनके जो पेल होगी, गंद होगा, ब्लैक जिनके दांत हो जाते हैं वो बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस तरह का स्मूथ पेस्ट बन जाएगा। ये मैं आपको फिर बता देती हूँ, इसमें कोलगेट है, चावलों का आटा है ग्राइंड करके, उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, ये चावलों का आटा है, ऑलिव ऑयल है और 1 लेमन, 1/2 लेमन आपने इसमें ऐड कर लेना है। इस तरह का पेस्ट बन जाएगा। इसको आप अपने दांतों पर ब्रश की मदद से इस तरह कम अज़ कम 5 मिनट लगा रहने दें, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट तक। इंशाल्लाह दांत बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।